दिल्ली में अगले साल मनाया जाएगा शॉपिंग फेस्टिवल, सीएम केजरीवाल ने किया ऐलान। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में अगले साल 30 दिन तक चलने वाले शॉपिंग फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा। गौरतलब है कि ये फेस्टिवल 28 जनवरी से शुरू होकर 26 जनवरी 2023 तक चलेगा। केजरीवाल ने बताया कि ये देश का सबसे बड़ा शॉपिंग फेस्टिवल होगा। हम फिलहाल तो इसकी शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन हमें उम्मीद है कि आने वाले कुछ वर्षों में हम इसे विश्व का सबसे बड़ा शॉपिंग फेस्टिवल बनाने में कामयाब होंगे। सीएजी रिपोर्ट से गदगद है अरविंद केजरीवाल, कहा ये आप सरकार की ईमानदारी का सबसे बड़ा सबूत। दिल्ली सरकार और उसके राजस्व को लेकर आई कैग की रिपोर्ट से अरविंद केजरीवाल की सरकार गदगद नजर आ रही है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कैग की दिल्ली सरकार को लाभ में बताने वाली रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि ये आंकड़े उसकी ईमानदारी का सबसे बड़ा सबूत है। सीएम केजरीवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी की ईमानदारी ने विरोधियों की नींदें उड़ा दी हैं। हरियाणा सरकार का फैसला, रिटायर्ड शिक्षकों की होगी भर्ती, दूर होगी सरकारी स्कूलों में टीचर्स की कमी। हरियाणा सरकार ने स्कूलों में शिक्षकों के खाली पदों को भरने के लिए रिटायर्ड टीचरों को फिर से नौकरी पर रखने का फैसला किया है। सरकारी स्कूलों के रिटायर्ड टीचरों के अलावा सहायता प्राप्त निजी स्कूलों के रिटायर्ड शिक्षकों को भी भर्ती किया जाएगा। एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि हरियाणा सरकार ने फैसला किया है कि सरकारी स्कूलों में रिक्त पदों को राज्य के सेवानिवृत्त शिक्षकों से भरा जाएगा। बहुत जल्द शिक्षा विभाग सुगम शिक्षा योजना के तहत दिशा निर्देश जारी करेगा। भगवंत मान ने फ्री बिजली को दिखाई हरी झंडी, हर बिल पर 600 यूनिट मुफ्त बिजली। भगवंत मान ने फ्री बिजली को दिखाई हरी झंडी, हर बिल पर 600 यूनिट मुफ्त मिलेगी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राज्य की आम जनता को फ्री बिजली देने के वादे पर मुहर लगा दी है। मान सरकार की तरफ से व्यापक रूप से बैठक की गई थी और राज्य में 600 यूनिट तक फ्री बिजली देने का वादा किया गया था। मिली जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ट्वीट किया कि कैबिनेट साथियों के साथ एक अहम बैठक हुई। पंजाब की जनता को हमने जो सबसे बड़ी गारंटी दी है वो है मुफ्त बिजली के फैसले पर मुहर लगाना। अब पंजाब की जनता को हर बिल पर 600 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी। हम पंजाब और पंजाबी से किए गए हर वादे को पूरा करेंगे। वीके जंजुआ नए चीफ सेक्रेटरी, आप सरकार ने अनिरुद्ध तिवारी को हटाया रातों रात। पंजाब सरकार के नए चीफ सेक्रेटरी वीके जंजुआ ने आज कुर्सी संभाल ली है। गौरतलब है कि उन्हें बीते मंगलवार को नया चीफ सेक्रेटरी नियुक्त किया गया था। आम आदमी पार्टी सरकार ने अचानक अनिरुद्ध तिवारी को इस कुर्सी से हटा दिया। उन्हें पिछली सीएम चरणजीत चन्नी की अगुवाई वाली कांग्रेस सरकार ने सीएस लगाया था।